हेलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास टेन्थ एनआई बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जो है चैप्टर नंबर ट्वेंटी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसमें आज हम करेंगे गवर्नेंस एट द यूनियन लेवल यानी केंद्र स्तर पर शासन जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों चाहे क्या एन आई बोर्ड के बच्चे हों इवन कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ठीक है इसमें आज जो हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे गवर्नेंस के ऊपर और देखा जाए तो केंद्र स्तर पर शासन के ऊपर लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए इवन अमल भी करना चाहिए ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि तो दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए ये आप भी नहीं जानोगे इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो ठीक है व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ दोस्तों आने से सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है चाहे वो एट्थ क्लास हो नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ हो चाहे वो एनआईस बोर्ड के बच्चे हों ठीक है चाहे बी एम के बच्चे हो सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तृपाण एस सेंटर में उपलब्ध है तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो तो इसलिए सोचना नहीं विचार नहीं करना है सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है दोस्तों ये तो बात था आप आपके लिए लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्राइम मिनिस्टर प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर इज द द मोस्ट पोस्ट यू हु फर्स्ट ऑफ इंडिया इट वॉज अ चाचा नेहरू दैट इज अ जवाहरलाल नेहरू हाउ डू यू थिंक द फेल टेकिंग ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट पोस्ट रिमेंबर द इंडिया एट द टाइम हैड जस्ट अगेन टू द इंडिपेंडेंट फ्रॉम अ बिट एंड रूल्स But where is the challenge of the face? Let us see from the Oven War written in this book, The Discovery of India. According to the discovery of India, India is a not a poor country. she is abundantly supplied with everything that make a country rich. And as the people are every poor, India has a resource as well as the intelligence, skill and capacity to be a advance is rapidly. He added to be must aim to be equality. Not only must equal opportunities be given to be all, but special opportunities to be educational, economics, and culture growth must be given to be backward groups, so as to level them to the catch up with the, those ahead of them. Any such attempt to be open the doors of opportunity to all Indian will be release nurse energies and ability to transform of country with the amazing speed. Nehru felt a great sense of responsibility to take the country forward because a prime minister has had a major role to play. If you listen to the news on the television or radio, you will find even today that we hear about the prime minister much more frequently than any other office under the union government. In fact, the prime minister is the most important functionary at the centre. If you go through other constitutions, you may get a different impressions because all the powers are mentioned as a power of president. But one provision turn to the situation. According to the constitution, there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to be added to the advice the president, who shall act according to the advice. In fact, the president is bound to exercise all the powers according to the advice of council of ministers, which is headed by their prime minister. It is a prime minister who is the real head of the union. executive. The prime minister is appointed by the president, but the president has to be invite only the person to be a prime minister who is the leader of majority in the Lok Sabha. And earlier, the person to be invited used to be their leader of only one political party. Is commanding a will to majority in the Lok Sabha, but with the initiations of the repa phases of coalitions, he/she may be a leader of a group of more than one political party. In the of situation, the president invites the person who is the leader led by the political party and that has the largest number of seats in the Lok Sabha and who receives the support of other political party to manage the need of majority beside began to leader our majority in the Lok Sabha to be a prime minister. The person has to be a member of parliament. If he she is not a member at the time of appointment, and she has to acquire it within six months from the state of his uh, appointment as a PM. The next year, function of the prime minister here. It is not interesting to be note that the constitution does not make any specific provision for the power of prime minister? Third, he she is the most powerful functionary of Union government. The only provision in the constitution is that the president shall exercise her power on the head and advise the counseling of minister with the prime minister at the head, and that advice will be a binding. But in a practice, it is the prime minister who is make uh, and make the counselling of minister. It is on his her recommendation that a president appoint a member of the counselling minister and distribute of profiles among them. He she is a provides over to the meeting of the cabinet and a, a complicated, communicated the decision of president. The prime minister acts as a link between to the president and counseling of minister. If due to any reason he sees a submit her her, here her and the resignations, doesn't entire council of ministers stand dissolved. As and with the necessity to arise, he she may be recommended to the president that is a looks about to be dissolved and a fresh general election be held. In fact, the prime minister is not only the leader of majority party or the leader of the parliament, but he/she is also the leader of the nation, and his/her office is the official of power. Well, that a president is the office of the honor, respect, and dignity. The prime minister is the ex-office of chair chairman of the planning commission as well as of the national development council, and he/she is re represented the nation at the international conference as the head of government. On your screen there is a most important picture here member of the union council of minister after taking oath 2009 there is a most important this time anundh Singh is the prime minister of india and pratibha patil is a president of india the next year the union council of minister as you have noted above the constitution of india state states that they there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to be authorized to advise their president. Who shall, in the exercise of his function, act in accordance with such advice, provided that a president may be required to consider a minister to reconsider such a device. Either Generally, or otherwise, and the president shall act of accordance with the advice generated after such a consideration. This is important. The members of council of minister are appointed by the president on the recommendation of prime minister. The council of minister has three categories of minister: cabinet minister, minister of state, and deputy minister. These ministers work as a team under the leadership of the prime minister. The minister hold office during the pleasure of president, but they cannot be removed so long as they have to support a majority in the Lok Sabha. In fact, according to their constitution, ministers are collectively responsible to be Lok Sabha. If the Lok Sabha is a non -confident, may no motion, the entire council of ministers, including PM, has the resign. A no-confidence motion, in the legislative re motion, both there is a members of the Lok Sabha and expressing lack of trust in the council of ministers, and that is why it is a sad that is a minister swim of a single, together and the next year regarding the function of the council minister. These are the same as was the prime minister. The proceedings of the cabinet and council minister are kept secret. The counselling of ministers is a large body of ministers. We have seen during the recent year, the top category known as the minister of cabinet rank are about the 20 to 25, and they hold the charge of important departments. And then there is a group of ministers called ministers of state, and some of them hold an independent charge of ministries, while their other are attached to be cabinet minister. Yet another category of minister known as the deputy ministers are attached to be cabinet minister or minister of state. The cabinet meetings is attended only by the minister of cabinet rank, but if need to, the ministers of state also may be invited to attend such a meeting the next year position of prime minister in the background of the above discussion it is above there is a prime minister occupy a key position in the union government he she is the principal or uh, spoke and defender of the uh, policy of the government in the parliament the council minister function as his her as team the nation look to be him, her, put needed to the policy and programs and required action. All the international agreements and treaties with the other countries are concluded with the consent of Prime Minister. He she has a special status both in the government and the parliament. The Prime Minister chooses his team, Council of Ministers, very carefully and gets the willing's is a cooperation from them. However, it is true that a coalition of government, the Prime Minister has to seek help from a like minded political parties. The experience of the last 10 to 12 years has shown that such as a scenario is, he/ she has to be very resilient and diplomatic, he she has to be taken major decision regarding the defense and security of country. He she has to formulate a policy not only for providing better living condition, बट ऑल्सो टू बी मेंस पेस फ्रेंडली ए रिलेशन विदरिंग कंट्री इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट मैं अबाउट दैट प्राइम मिनिस्टर इज द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह भारत में ये प्रावधान किया गया है कि भारत का देश का नायक जो होता है राष्ट्रपति होते हैं लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग जो होता है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और उसके मंत्रिपरिषद के अंतर्गत होती है तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आज आया है प्रधानमंत्री देखिए प्रधानमंत्री का भारत में सम्मानीय स्थान है और जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसके द्वारा जो है किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है और ये सेंट्रल लेवल पे होता है जो कि पूरे भारत के लिए जो है प्रतिनिधित्व के रूप में कार्यरत होते हैं तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है प्रधानमंत्री तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के हर बात हर एक क्षेत्र के विषय कार्य और शक्तियों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू जो अब तक आप नहीं जान सके तो बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ देखा जाए तो हमारा टॉपिक आया है प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था हाँ जैसे कि आपको पता ही होगा चाचा नेहरू जी थे अर्थात जवाहरलाल नेहरू जिनको हम प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं क्योंकि ये बच्चे के बहुत ही प्यारे थे और बहुत ही बच्चों से प्यार भी करते थे आप सोचिए कि जब उन्होंने यह महत्वपूर्ण पद लिया होगा तो उन्हें कैसा महसूस हो हुआ होगा याद कीजिए कि उस समय भारत को अंग्रेज़ों के शासन से जो स्वतंत्रता प्राप्त हु, हुई थी उनके सामने कौन सी चुनौती मुख्य रही होगी आइए हम उनके ही शब्दों में जानें कि उनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखी गई बातें देखिए जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब लिखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें दर्शाया था इन्होंने कहा था कि भारत एक गरीब देश नहीं है और इसके पास वह सब कुछ है जिसे एक देश अमीर बनता है और फिर भी यहाँ के लोग बहुत ही गरीब हैं भारत के पास संसाधन है तथा तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए बुद्धिमत्ता कौशल और क्षमता है आखिर ये सब क्यों जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत गरीब देश नहीं है और यहाँ पर उन्होंने दूसरा वर्ड ये भी कहा फिर भी यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा कर रहा है जो उन्होंने डिस्कवर ऑफ इंडिया में ये शब्द लिखे थे उसके बाद उन्होंने आगे लिखा है कि हमारा लक्ष्य जो है समानता होना चाहिए सबको केवल सामान्य अवसर प्रदान करना ही नहीं अतुल जो है शैक्षिक आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए विशेष अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वह अपने से आगे लोगों तक पहुंचाने के योग्य हो सकें भारत अवसरों के द्वार सबके लिए खुलने के कि किसी भी प्रयास से न देश की विस्मकारी दर्ज से बदलने की अपार ऊर्जा और योग्यता प्राप्त होगी नेहरू जी ने देश के आगे ले जाने की महान दायित्व का अनुभव भी किया क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में उसके एक प्रमुख भूमिका निभा निभानी भी थी देखिए यहाँ पर उन्होंने बहुत दूरदर्शिता की बात की भारत बेशकली कहते हैं गरीब नहीं है लेकिन फिर भी भारत के लोग बहुत गरीब हैं भारत गरीब नहीं है भारत तो कहते हैं बहुत संसाधनों से भरा पड़ा है इतनी संसाधन है कि भारत को गरीब कहना संभव ही नहीं है लेकिन देखा जाए तो यहाँ के लोग गरीब हैं कारण क्या है यहाँ के लोग जो है भोग भोगविलासों में और कहते हैं कि पुराने चीज़ों के लेके जो चल रहे हैं इनके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो यही बात जो है डिस्कवर ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू साफ शब्दों में कहना चाहते थे कि भारत गरीब देश नहीं है क्योंकि देखिए भारत क्यों गरीब देश नहीं है क्योंकि भारत में विषमताओं भरा पर्यावरण है यहाँ पर देखा जाए तो हर तरह के कंडीशन आपको बलीभूति देखने को मिल सकता है लेकिन यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं कारण क्या है वो अपनी बुद्धिमत्ता कौशल की क्षमता का जो भी प्रयोग होता है अपने देश के लिए नहीं करते हैं वो विदेश में जाकर ही अपना सब कुछ निच्छावर करते हैं आप अगर एग्जाम्पल देखोगे तो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत को अपना कर्म भूमि न बना के उन्होंने विदेशों को कर्म भूमि बनाया लेकिन उनमें भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने विदेश को ठुकरा के भारत के ही कर्म भूमि बनाया जिनके कारण भारत आज इस गौरव और महान रथ पे आगे बढ़ रहा है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तो डिस्कवर ऑफ इंडिया में पंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ शब्दों में कहा अगर देखा जाए भारत में इतनी योग्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है भारत को उन्नति के राह पर ले जाने में अग्रसर हो सकता है लेकिन आज के समय देखा जाए तो आज के समय सिर्फ राजनीतिक में सिर्फ राजनीतिक हो रही है देश को आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है सिर्फ कहते हैं कि कहते हैं कि बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है लेकिन अगर आप देखिएगा वास्तविकता में तो आपको इसका जो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है वो अपने शब्दों में और अपने आँखों से आपको नज़र आ जाएगा तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक जो है डिस्कवर ऑफ इंडिया में बताई थी यदि आप टेलीविज़न अथवा रेडियो पर समाचार सुनते तो पाएंगे कि आज भी हम संघीय सरकार किसी अन्य पद से कहीं अधिक प्रधानमंत्री के विषय में सुनते रहती हैं और प्रधानमंत्री के जो है समाचार में जो है हर जगह छाए हुए रहते हर क्षेत्र में वास्तव में प्रधानमंत्री केंद्र में अति महत्वपूर्ण पद है यदि आप संविधान पढ़े तो आपको यह अलग ही छवि प्राप्त हो सकती है क्योंकि सभी शक्ति शक्तियों की राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताया गया है लेकिन केवल एक प्रावधान सारी स्थिति को पलट देती है अगर देखा जाए तो संविधान में सारे शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति की शक्ति बताई गई है लेकिन कुछ बातें हैं जो सारी बात को जो है पलट के रख देती है संविधान में दर्ज है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल होगा और राष्ट्रपति इस परामर्श के अनुसार कार्य करेगा यानी राष्ट्रपति स्वयं निर्णय लेने का अधिकारी नहीं होगा इसका सारा निर्णय जो होगा प्रधानमंत्री लेगा या मंत्रिमंडल लेगा तो देखा जाए तो यहाँ पर साफ शब्दों में संविधान में लिखी हुई बात है तो इसका मतलब यही हुआ कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का ही होता है वास्तव में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता है और प्रधानमंत्री ही संघीय कार्यपालिका का वास्तव अध्यक्ष मुखिया होता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति भी किया जाता है लेकिन राष्ट्रपति को केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करना होता है जो लोकसभा में बहुमत का नेता हो यानी देखा जाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है यानी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है इसलिए कि वो उसको सलाह मशवरा दे सके और उसकी मंत्रिपरिषद आगे चला सके सारे शक्तियाँ देखा जाए तो राष्ट्रपति का ही होता है अगर आप राजाओं का शासन देखिएगा तो सारी शक्ति जो है फैसला लेने का शक्ति राजा के पास होती है मंत्रिपरिषद का काम होता है कि देश के रक्षा करना लेकिन यहाँ पर उलट हो जाती है राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का होता है सारे शक्तियाँ जो है मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री के हाथों में होता है और ये बात साफ होता है कि प्रधानमंत्री उसको बनाया जाता है जो लोकसभा में बहुमत का नेता हो यानी जिसको सबसे अधिक जो है राज्य से विजय प्राप्त हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है उन्हीं में से एक का क्योंकि उन्हीं के पार्टियों में से एक व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया जाता है पूर्व में आमंत्रित किए जाने वाले व्यक्ति किसी एक राजनीतिक पार्टी का नेता होता था और जिसके लोकसभा में पुण्य बहुमत प्राप्त होता था लेकिन मिली जुली और गठबंधन सरकारों का दौर शुरू होने के साथ वह एक से अधिक पार्टियों के ने समूह का नेता हो सकता है अब देखिए पहले के समय में तो ये होता था कि पार्टियाँ कम थी तो सिर्फ एक या दो पार्टियों की ही जिनको बहुमत मिलता था उनमें से प्रधानमंत्री चुने जाते थे लेकिन आपको तो पता ही होगा कि भारत जो है बहुसंख्य यहाँ पर पार्टी है कई नेशनल पार्टी हैं कई क्षेत्रीय पार्टी हैं तो आज के क्षेत्र में ये देखा गया है कि मिलीजुली गठबंधन की सरकार होती है और गठबंधन की सरकार में ये होता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो भी कार्य करने में बहुत ही उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कारण क्या होता है कि प्रधानमंत्री देखिए अगर एक पार्टी के मेजोरिटी से अगर कोई व्यक्ति जीतता है तो उसकी सारी पावर रहती है उसके पास लेकिन जब गठबंधन का सरकार के अंतर्गत कोई पार्टी आगे बढ़ती है तो जर्नल सी बात है कि आपको सभी पार्टियों से सलाह लेना पड़ेगा अगर कोई भी पार्टी मना करता है या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो जर्नल सी बात है वो कार्य नहीं हो पाएगा और इसका इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो था शिवसेना जो है अपनी सरकार बनाई गई लेकिन कई गठबंधन सरकारों से बनाई गई और बाद में जैसे सरकार भी टूट गई तो ऐसा ही परिस्थिति यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए भी होता है जो गठबंधन की सरकार की जो दौड़ चलने लग गई है कहते भारत के भविष्य के लिए सही नहीं है कारण क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है स्पष्ट रूप से जो है फैसला लेने में सक्षम नहीं हो पाएगा और जब सक्षम नहीं हो पाएगा तो जर्नल सी बात है कि भारत जो है तरक्की के राह पे नहीं चल पाएगा परिवर्तन स्थिति में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को आमंत्रित करता है जो लोकसभा में सबसे अधिक सीट जीतने वाले पार्टी का नेता होता जैसे हम पहली बात कर चुके हैं कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को आमंत्रित करता है जो लोकसभा में सबसे अधिक सीट जीता हो उन्हीं में से किसी एक नेता को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे आवश्यक बहुमत जुटाने के लिए अन्य पार्टियों से समर्थन भी प्राप्त होता है प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत का नेता होने के साथ साथ उसे संसद का सदस्य होना भी अनिवार्य होता है यदि वह अपनी नियुक्ति के समय सदस्य नहीं है तो उसे अपने जो है प्रधानमंत्री नियुक्ति होने की तिथि से छः माह के अंतर्गत सदस्यता प्राप्त करनी होती है तो इसका मतलब यही है कि अगर आप प्रधानमंत्री के नियुक्त हो रहे हो तो आप किसी न किसी क्षेत्र के संसद होना जरूरी है अब देखिए कहते इस ऐसा ही एक कारण बना था जब बीजे जो है आप अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे तो उनको जो है सदस्यता नहीं मिली हुई थी संसद का सदस्यता नहीं मिली हुई थी जिनके कारण उनको कुछ ही दिन १८ दिन में जो है प्रधानमंत्री पद से जो है इस्तीफा देना पड़ गया था क्योंकि उसके आगे कोई इलेक्शन नहीं थी जिनके कारण देना पड़ गया बहुमत उन्होंने साबित नहीं कर सके तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात होता है और यही घटना भी सेंट्रली में हुई है आपने कलकत्ता में देखा होगा जब चुनाव हुआ था तो वहाँ ममता बनर्जी जी ने जो है कहीं से भी कोई संसद सीट नहीं जीत पाए थे और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था फिर जाके एक इलेक्शन हुआ जिसमें उनको जो है अपनी संसद सदस्य सिद्ध करना पड़ा और इस वजह से जो है वहाँ के वो मुख्यमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री में कुछ ऐसा ही सिचुएशन देखना पड़ता है प्रधानमंत्री नीति होने की तिथि के छः माह के अंतर्गत आपको किसी न किसी क्षेत्र के संसद का सदस्य होना महत्वपूर्ण बन जाता है अब देखिए कहते हैं ऐसे सरकार जिसके विधायक के एक से अधिक पार्टियों के सदस्य मिलकर बनते हैं उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं भारत में गठबंधन की सरकार का दौर उन्नीस सड़सठ के आम चुनाव के बाद शुरू हुआ यानी नाइनटीन सिक्सटी सेवन के आम चुनाव के बाद शुरू हुआ जब पहली बार कांग्रेस विरोधी राजनीतिक पार्टियों की कई राज्यों में सरकार गठित हुई केंद्र में यह दौर उन्नीस सौ सत्तर में चुनावी चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार के साथ शुरू हुआ और निम्नलिखित गठबंधन की सरकार का गठन भी हुआ और यहाँ प्रधानमंत्री के नाम से जो है पहचान निश्चित की गई तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी गठबंधन के अंतर्गत अब हम देखते हैं कि अब तक कितने प्रधानमंत्री जो है बनाए जा चुके हैं अब तक देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था तब जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका दौर काफ़ी बहुत दूर तक चली काफ़ी दूर तक उन्होंने जो है शासन किया भारत पे, उसके बाद देखा जाए तो पहली जो है महराजी देसाई जी, जी बनाए गए उसके बाद दूसरा जो था जो चरण सिंह जी बनाए गए उसका बीपी बी पी सिंह बनाए गए उसके बाद चंद्रशेखर बनाए गए उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी उसका जो एच डी देवगौड़ा बनाए गए साय गुजराल अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी बनाए गए कई बार बनाए गए हैं देखिए 1996 में जो है बनाए गए लेकिन कुछ ही दिनों के लिए बनाए गए फिर नाइन नाइन्टी एट से नाइन्टी नाइन तक बनाए गए तो इसके अवधन के दौरान ही इनको जो गठबंधन सरकार बनाए गए थे उनको त्याग पत्र देना पड़ गया था उसके बाद अटल बिहारी भाजपाई जो थे फिर से बनाए गए उन्नीस से लेकर दो तक और उसके बाद मनमोहन सिंह जो थे काफ़ी दिनों तक जो है किए उसके बाद दोबारा जो है मनमोहन सिंह दो में भी चुने गए और अभी तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है मोदी जी का भी राज चल रहा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इवन कि यहाँ पर मिसिंग है एक वर्ड जिसमें जो है बताते हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी बनाए गए थे जिसमें आपको पता ही होगा कि इंदिरा गांधी जी को भी बनाया गया था लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है शायद मिस प्रिंट हो गया हो तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है राज के संगठन दो मुख्य गठबंधन है जिनका नेतृत्व क्रमश भाजपा को कांग्रेस कर रही है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाई गई है कुछ बातें मिसिंग जरूर है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है प्रधानमंत्री के कार्य क्षेत्र देखिए प्रधानमंत्री का कार्य क्या है क्या यह रोचक नहीं है कि भारत का संविधान प्रधानमंत्री की शक्तियों के विषय में कोई विशेष उल्लेख नहीं करता है जबकि यह संघीय सरकार का सबसे अधिक शक्तिशाली पद है अब ये बहुत बात सही बात है रोचक ही बात है कि संविधान में प्रधानमंत्री की शक्ति के विषय में कोई बात नहीं लिखी गई है कि प्रधानमंत्री कौन से शक्ति होंगे इसका बारे में कोई डिस्कशन नहीं की गई है संविधान में जबकि यह सभी सरकार के सबसे अधिक शक्तिशाली पद है अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली होता है लेकिन फिर भी संविधान में प्रधानमंत्री शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में केवल इतना प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा अब देखिए काफी महत्वपूर्ण बात आ गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सहायता सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और यह जो है सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी यानी राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा कहते संविधान में यही एक शब्द है जो पूरी शक्ति जो है प्रधानमंत्री के दे यानी राष्ट्रपति की जितनी शक्ति होती है सब प्रधानमंत्री को प्राप्त हो जाती है क्योंकि जर्नल से बात देखा जाए तो मंत्रिमंडल की जो है गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री उन्हीं व्यक्तियों को चुनता है जो उसका विश्वास पात्र है और इवन कि मंत्रिमंडल में वो तब तक ही बना रह सकता है जब तक जो है प्रधानमंत्री के विश्वास प्राप्त कर रखा हो तो जर्नल सी बात है कि प्रधानमंत्री के ही जो है बातों पर मंत्रिमंडल चलता है बेशकली संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का जिक्र न किया गया हो लेकिन दूसरी तरफ से जो है सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथों में ही सौंप दी गई है वृद्ध व्यवहार में प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल को बनाता है और तोड़ता है इसलिए सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के ही अधीन कार्यरत होता है केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको मंत्रिमंडल का सदस्य बना सकता है यानी प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है और प्रधानमंत्री की ये अपनी निजी फैसला होता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जिस व्यक्ति का अपना निजी फैसला होता है समझ जाइए कि वो पूरे चीजों का अपने अधिकार में ले सकता है तो यही बात यहाँ पर प्रधानमंत्री के अंतर्गत बात बताई गई है अगर देखा जाए तो केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा तो उसमें विभाग बांटता है वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है और इसके निर्णय में राष्ट्रपति के अवगत भी कराता है यानी देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति का जो है कड़ी का, का काम करता है लिंक करता है एक तो दूसरे को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी का, का काम करता है यदि किसी कारणवश वह अपने पद से त्याग पर दे देता है तो पूरा मंत्रिमंडल ही भंग हो जाता है यानी प्रधानमंत्री अगर इसी कारण वंश अगर त्याग पत्र दे देता है तो पूरी मंत्रिमंडल ही भंग हो जाता है और फिर जो प्रधानमंत्री बनता है दोबारा मंत्रिमंडल का जो है गठन करता है तो आप समझ गए होंगे कि सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के अधीन ही कार्यरत होता है क्योंकि प्रधानमंत्री के जो है सब शपथ लेने से सारे लोगों की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने से सारे मंत्रिमंडल ही भंग हो जाता है तो जनरल सी बात है सारी शक्तियाँ जो है प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमता है जब कभी आवश्यकता उत्पन्न होती है तो वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने और फिर से चुनाव करवाने की सिफारिश भी कर सकता है वास्तव में प्रधानमंत्री केवल बहुमत वाली पार्टी अथवा संसद का नेता ही नहीं होता है अतुल वह राष्ट्र का भी नेता हो जाता है उसका पद शक्ति का पद है जबकि राष्ट्रपति का पद सम्मान गरिमा और प्रतिष्ठा का पद है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि प्रधानमंत्री जो है के पास सारी शक्तियाँ होता है राष्ट्रपति सिर्फ सम्मान गरिमा और प्रतिष्ठा का ही पद होता है प्रधानमंत्री योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद का पद तो अध्यक्ष होता है और वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सरकार के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्र का नेतृत्व तो भी बेखूबी करता है आपको पता ही होगा कि सारे जितने भी देश विदेश की यात्रा होता है प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है और सभी देश संबंध भी स्थापित प्रधानमंत्री ही करता है और मान लीजिए प्रधानमंत्री अगर सही बात विचार रखता है तो सभी देशों से हमारी दोस्ती रहेगी और प्रधानमंत्री अगर कुछ गलत सलत हो गया तो जनरल सी बात है कि पूरा ही जो सत्ता ही पलट जाएगी पूरे देश ही बदल जाएगा तो प्रधानमंत्री का पद जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियाँ जो होती है निहित होता है अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है शपथ ग्रहण के बाद 2009 में दिख रहे थे जहाँ पर जो है मनमोहन डॉक्टर मनमोहन जी जो है भारत के प्रधानमंत्री थे और देखा जाए तो यहाँ पर प्रतिभा पटेल जी जो थे भारत के राष्ट्रपति जी थे तो उस समय जो है शपथ ग्रहण हुआ था और यहाँ पर मंत्रिमंडल की गठन हुई थी वही चित्र जो है आपके समक्ष प्रस्तुत है उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संघीय मंत्रिपरिषद जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि भारत का संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद होगी जिसके परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श पर ही पुण्य विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकता है परंतु राष्ट्रपति पुण्य विचार के बाद भेजे गए परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा ये भी बात प्रावधान किया गया है मंत्रिपरिषद सदस्य की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के तीन वर्ग होते हैं एक कैबिनेट मंत्री होता है एक राज्य मंत्री होता है एक उप मंत्री होते हैं ये मंत्री प्रधानमंत्री नेतृत्व तो में एक टीम की तरह कार्य करता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है मंत्री राष्ट्रपति के जो है पारदर्शिता अपने पद पर बने रहते हैं लेकिन उन्हें तब तक हटाया नहीं जा सकता है जब तक उन्हें प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त है वास्तव में संविधान के अनुसार मंत्री समूह रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिपरिषद का जो है पत्र देना पड़ता है जिसके बारे में हम पहले भी विचार कर चुके हैं मंत्रिपरिषद में अविश्वास दर्शाने के लिए लोकसभा सदस्यों द्वारा लाए गए विधायी प्रस्ताव को जो है अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है कि मंत्री साथ है तैरते हैं और साथ ही लेके डूबते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है कैबिनेट या मंत्रिमंडल अथवा मंत्रिपरिषद की कार्यवाही जो है गुप्त रखा जाता है मंत्रिपरिषद मंत्रियों के एक बड़ी इकाई है गत वर्षों में हमने देखा है कि कैबिनेट स्तर के जो है बीस से पच्चीस मंत्री होते हैं जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग होता है और इसके बाद राज्य मंत्री होते हैं जिनमें से कुछ के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय भी होते हैं और अन्य कुछ जो है कैबिनेट मंत्रियों के साथ संबंध सम, भी होते हैं और इसके अतिरिक्त मंत्रियों का एक वर्ग उप मंत्रियों के रूप में होता है जो कैबिनेट मंत्रियों अथवा राज्य मंत्रियों के साथ संबंधित होते हैं कैबिनेट की बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री ही उपस्थित होते हैं परंतु यदि जरूरत हो तो राज्य जो है मंत्रियों को भी ऐसी बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है उसके बाद हमारे समक्ष आता है प्रधानमंत्री की स्थिति देखिए उपयोग चर्चा की पुष्ट जो पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट है कि संघीय सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति अति महत्वपूर्ण है और वह संसद में सरकार की नीतियों का मुख्य प्रवक्ता और रक्षक होता है मंत्रिपरिषद की उसकी टीम की तरह कार्य करती है और पूरा राष्ट्र आवश्यक नीतियों कार्यक्रमों और कार्रवाइयों के लिए उसकी ओर देखता है सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और दूसरे देशों के साथ संधियों जो है प्रधानमंत्री की सहमति से ही होती है सरकार और संसद में उसकी विशेष हैसियत होती है प्रधानमंत्री अपनी टीम का चयन बहुत ही ध्यान से करता है और उनसे जो है अपेक्षित सहयोग प्राप्त करता है और यह भी सत्य है कि गठबंधन की सरकारों में प्रधानमंत्री को सामान्य विचार वाले राजनीतिक पार्टियों से भी सहायता लेनी पड़ती है पिछले 10-12 वर्षों का अनुभव बताता है कि ऐसे परिदृश्य में प्रधानमंत्री को बहुत ही सतर्क तथा कूटनीति रहना पड़ता है उसके देश की रक्षा और सुरक्षा के संबंध में बड़े निर्णय लेने पड़ते जैसे हमने पहले भी विचार किया था कि प्रधानमंत्री को जो है बहुत सतर्क और बहुत ही एक्टिव रहने की आवश्यकता होती है क्योंकि आपको पता है कि पूरे देश का जो है प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है अगर दूसरे देश में जा कर कुछ तरह के अगर गलत हो गया तो इसका पूरे ही देश को जो है खमाजा भोगना पड़ जाता है इसलिए प्रधानमंत्री पर को जो है सतर्क और कूटनीतिक रहना पड़ता है और उसको देश की रक्षा और सुरक्षा के संबंध में बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं उसके न केवल बेहतर जीवन स्थितियां प्रदान करने के लिए नीतियां बनानी होती है अतुल शांति बनाए रखने एवं पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए भी नीतियां बनानी पड़ती है उभर तथ्य कारण ही जो है प्रधानमंत्री कैबिनेट के नींव का पत्थर होता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था दोस्तों इसमें हमने हर बात पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में भी जाना राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में भी जाना और मंत्री परिषद के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा किया हर एक पहलू पर हमने प्रकाश डालने की कोशिश किया और जाना दोस्तों अगर ये बात समझ में आई अच्छा लगा तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप दिल से तृपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो अगर इसका हितैसी हो तो इसका जितना हो सके व्हाट्सअप पे जो है इसका लिंक को लगाइए यूट्यूब से कॉपी को कॉपी कीजिए यूट्यूब से लिंक को और व्हाट्सएप पे लगाइए क्योंकि यही एक साधन है जो थोड़े बच्चे तक पहुंचा जा सकता है क्योंकि व्हाट्सएप तो हर एक व्यक्ति चलाता है और आपके थ्रू जो है वो पहुँच भी जाएगा जिन बच्चों को इस वीडियो की आवश्यकता है तो करिए करने से ही आगे बढ़ता है तभी आपके लिए जो है और अच्छा किया जा सकता है अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए क्योंकि आपको पता ही है कि तृपाण्ड से अलग है सभी से अलग है सबसे जुदा है और बहुत कुछ इसमें है यहाँ पर एट्थ से लेकर एम तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है सिर्फ आपको प्ले में जाने की आवश्यकता है तो सोचिए नहीं विचार ना कीजिए कि सोचने वाला काम यहाँ नहीं होता है सिर्फ आगे बढ़ने वाला काम होता है तो जो आपके जो मोबाइल पर रेड सब्सक्राइब दिख रहा है उसको दबाइए और तिरपाण स्टडी सेंटर के साथ सदैव के लिए जुड़ जाइए